क्या बात है जी, ये सूरज बस छुपने के लिए तैयार है 5-10 मिनट में। ईरानी खेत के आसपास का इलाका है ये, देखिए क्या बात है। ये देखिए, ये अब शाम का तकरीबन 6:20 हो रहे हैं, अभी है रोशनी तकरीबन 1.5 घंटे। देखिए क्या नज़ारा, देखिए आप जबरदस्त। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हो हो ओहो, लो आसमां झुक रहा है जमीन पर, लो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, लो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, प्यारे प्यारे ये नजारे। अभी तो ऊपर जा रहा आदमी है अकेला, ये तो लेपर्ड का टाइम है। हाँ जी बिल्कुल टाइम है सर। नहीं बिल्कुल टाइम है। ये लेपर्ड क्या होता है भाई? है तेंदुआ। तेंदुआ जो तेंदुआ होता है जिसपे धब्बे होते हैं, तेंदुए को लेपर्ड बोलते हैं। हाँ, जो पेड़ पे चढ़ जाता है लेपर्ड, इसको यूं कहते हैं। ये लेपर्ड जाते हैं, देखते हैं लेपर्ड ही है यहाँ। हाँ गुलदार है भाई। हाँ वो गुलदार उसी की प्रजाति है। हाँ, ये गुलदार थोड़ा छोटा होता है। गुलदार थोड़ा छोटा होता है, उस पर जो धब्बे होते हैं वो बड़े होते हैं। हाँ, वो फूल के आकार के होते हैं। वो लेपर्ड बड़ा होता है। हाँ लेपर्ड, लेपर्ड उससे जरा सा बड़ा होता है, और उसके जो धब्बे होते हैं वो छोटे होते हैं। जैगुआर जो होता है वो बहुत मोटा होता है। जैगुआर, हाँ वो भी उसी की प्रजाति है। 120 किलो होता है। हाँ जैगुआर 120 किलो तक का होता है। हाँ और ये जो लेपर्ड जो है, जैगुआर यहाँ नहीं होता। नस्लें एक ही है, सही बात है, लेकिन नाम अलग अलग। हाँ बॉडी भी सेम है, प्रजाति उसी की है, लेकिन है नहीं। हाँ ताकत बहुत है ना यूसुफ भाई इसमें, ताकत बहुत है। अरे बहुत ताकत है, मगरमच्छ निकाल के लिया था पानी में। सो पानी पलट नहीं देता। हाँ पानी में कूद के देखो। हाँ दोनों की मारेगा ऐसी, पकड़ लेगा। देखा नहीं रोड, ये भी पानी पी रहा था एक में शिकार करता हुआ है और एक में शिकार होता हुआ है। मैं समझता वही लेके जा रहा है वो, तो नहीं हो समझ लो, डुबा के मार देगा उसे। वो तो अलग चीज होती है जिसे ले आता है वो। जीदार होता है ये लेपर्ड जो होता है, जीदार होता है भाई। ये डरता नहीं है, शर्माता नहीं है। हाँ जीदार बहुत होता है ये। इतना बड़ा मगरमच्छ का शिकार नहीं करता, जो घुस बड़े ला नहीं पाता हुआ कटपुड़िया तो सुना था भाई, कटपुड़िया भी सुन लिया आज। गोलियां पुड़ता भाई है ना कटपुड़िया। अच्छा वो कोलिया पुले भाई है। हाँ। ये कटपुड़िया बहन है। ये बहन, अच्छा उसकी बीवी हो? नहीं बीवी नहीं, बहन है। क्या बात है यार, क्या भाई बेहतरीन अब बन गया। देखो बेहतरीन बिल्कुल, अब सेट चीज आ रही है सब। ये कहानी बनेगी तो
सपनों की रानी। अच्छा सपनों की रानी कहता है वो। आया बच्चों की रानी तेरा मेरे लिए आती है शाम चंदा की है मेरा गुलाम। पानी की क्या कीमत है पानी की वैल्यू इनसे पूछो। हाँ अरे मोड़ो भाई है पूछा था पानी की कीमत क्या है भाई। अच्छा 20 रुपये लीटर है तो 40 रुपये उन लोगों को मालूम है पानी की क्या कीमत होगी। हेलो हेलो हाँ वो उसको मुर्सलिन को देने मुर्सलिन दे नहीं रहता उसको तो मैंने कह दिया मैं कलवान के दूंगा पैसे या तो घर से बात होगी तो डाल देगा तो कहना चलो ठीक है फिर तो अब वो उसको दे देगा वो पैसे इसको करने चाहिए ना कहीं ये ट्रांसफर। ना वो तक नहीं जैसे नाटक में दे दूँ घर आ जाएगा 5 पीस लेके और ये उसे ना दे क्योंकि उससे मैं कह चुका कि दे दे मैं कह रही हूँ तो क्या करना चाहिए हैं इसको मसरी इनको तो मैं ये कह दूँगा तो ये 42 रुपये कटवा दे ना पीस आ जाएंगे पीस भी देख लियो और वो कह गया मैं बुला रहा हूँ उनको फिर मैंने अनुहर को मना कर दिया था इसलिए मुझसे लग गया उससे कह गया फिर मैंने मुसलिम को फोन करा मैंने तुमने दिए क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ तो कह रहा है भाईजान मिल गया भाईजान बनेंगे भाईजान क्या बात है यार भाई कह रहा है भाईजान मुझे ज़रूरत है तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा फिर दिलवाने की तो कल मैं आऊँगा कल मैं दे दूँगा आने के सीनरी बहुत है सीनरी बहुत है हाँ रास्ते की जो खूबसूरती है वो लाजवाब है ऐसे काम होते हैं पत्तपानों में तो ये सन्नाटा पता नहीं कैसे कट गया उससे। अब मेरे तो दो ही वो हैं क्या ले ले क्या लेगा 600 रुपये ले लेगा 1 किलो घूमने तो लेकिन इसके तो पान के पूरे ब्रांड के भी लगा दिए ना पैसे हमने तो अभी सन्नाटा पीस लेके आएगा तो ठीक है ना तो मैं उसका पैसे बेच के मैं खुद मंगा लूँगा उससे पैसे लगा दूँगा अनवर से है ना क्योंकि अनवर के पास सारे पैसे पहुँच जाएंगे खुद देते ही नहीं सैलमपुर चला गया था कह रहे मैं फोन करके बुला रहा हूँ अनवर को ठीक है ना अभी तो तुम आलम मुझसे कहते ना स्टूल करा लो 800 रुपये किलो। मैंने कहा भाई ज़िंदगी में भी नहीं करा सकता मैं तो हाँ मतलब हम भरेंगे तो हमने यहाँ किसकी कर दी हेल्प कर दी ना हमने हाँ भरने में भी हो जाएगा काम इनका हो गया अभी मैं करूँगा तो मेरा हो जाएगा। मैंने कहा समझ गया कराएंगे नहीं हाँ वो करके चला गया फीस वो करके दे देगा मुझे 600 रुपये फीस सारे थी दो तीन दो 300 रुपये किलो के हिसाब से समझे दाल भरेगा भी निकालेगा और इसके तो मोहताज भी रहना गलत है हमें तो आदमी से करना है नहीं तो ये नंबर ले आएगा ठीक है नहीं तो मैं उससे कहूँगा 42 रुपये काट दे होगा इसके बाद इसके 12,000 रुपये बनना है और 7,000 का तो मैंने संभाली भी रखा है एक ही ले चुका 8 हो गए उनको गाड़ी नजर नहीं आ रही 42 रुपये कुछ दिलवा रही है तो 300 रुपये सारे निकलेंगे 5 किलो वाले पे इस पर रश थोड़ी है ना इस पर रश नहीं है फिर ये सोचेगा तो मुझे क्या बचा इस रोड पर रश नहीं है चाचा इसको 5 किलो की क्रेप बची है रश उस पर भी नहीं होगा ना उसमें नहीं रानीखेत टू रामनगर हाँ वहाँ भी नहीं होगा वहाँ तो मतलब ही नहीं है अल्मोड़ा तो रानीखेत नहीं अल्मोड़ा तो रानीखेत नहीं तो मांग जाओ दो दस लोग पैसे और काट दे 35 रुपये काट दे पैसे 1 किलो के होंगे तो जितने भी होंगे 5-6 रुपये अनुमार को फोन नहीं मिल रही यहाँ से फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है मेरे पास है ना उनको बात होगी तो मैं देखो टाइम होती है तुम उनसे मिल रुपया लेकिन फिर आ जाए ठीक है ना ठीक है बेटा सब ठीक ठाक है ना घर पे सब ठीक ठाक है ना तुम क्या क्या बकवा पकवा रहे हो बड़ा जाली बात बरात है चल ठीक है बेटे कल आऊँगा या परसों सुबह आऊँगा
मस्जिद में क्या कोई निर्माण चल रहा है? मस्जिद में हाँ कुछ थोड़ा सा काम हो रहा है। अच्छा बस भाई और कुछ बताओ भाई, कुछ सुनाते रहो यार। सब पुरानी हो गई सोचते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो सुनाओ, कुछ तो सुनाओ। ठीक है भाई, इतनी दूर ले गए, यही सुनाएंगे अब? छः घंटे सात घंटे करवा दिए इसने। हम भी तो आए हैं। निक्के भाई क्या लेकर आए? तुम कहाँ थक रहे हो, बैठे बैठे थक रहे हो। कौन? इसलिए तो कह रहा हूँ कुछ सुनाओ, हाथ पैर चलाते रहो। चलो भाई सुना भाई। देखो तुम्हारे को आग का धुआं लगी हुई है। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हमको मुझको एक और मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर आए हैं मुसाफिर की तरह। गाना तो क्या था मैंने लिख के भाई? सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। नहीं नहीं वो आज ये तो है ही नहीं, वो जो हनीफ भाई एक बार गाना गा रहे थे तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा। क्या कहा था आपने? बोले अपने तो जला लो। बेचारे पता नहीं क्या कह दिया। हाँ पहले अपने तो जला लो, दीखता नहीं था उन्हें समझे, पत्ता अगर हुक्म का फेंक ला तो चिड़ी का फेंक दिया, दीखता नहीं था। गाना गा रहे वो तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, निक्के भाई कह लगे पहले अपने तो जला लो। और उनकी एक क्वालिटी और भी थी कि उनको डॉक्टर कह रहा था रोशनी बढ़ेगी नहीं, आंखें बनेगी नहीं। हाँ सबसे बड़ी परेशानी थी पैसा भी कुछ नहीं करता, लेंस भी नहीं पड़ेंगे। शुगर स्ट्रोक था ना उनको? शुगर स्ट्रोक ही तो था वो, किडनी। हाँ तो भाई शुगर का सबसे ज्यादा इफेक्ट किडनी तो होता है, किडनी अटैक वाला। उनको घर की प्रॉब्लम थी, सच्चाई है मैं तो बताऊं। उनको था फिगर अटैक, फिगर अटैक हाँ, ये टेंशन अटैक कह लो। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते